21 अगस्त भारत बंद, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, क्रांतिकारी जय भीम जय भारत, नीला सलाम जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद, जय भीम सैनिक, जय भीम सेना, विजय भीम सेना। वो तुमको रोकेंगे तुम अटल रहना, वो तुमको टोकेंगे तुम अटल रहना, वो तुमको भ्रमित करेंगे तुम अटल रहना, वो तुमको बहकाएंगे तुम अटल रहना, वो तुमको डराएंगे तुम अटल रहना, वो तुमको लालच दिखाएंगे तुम अटल रहना, वो सोशल मीडिया से झूठी खबरें फैलाएंगे तुम अटल रहना, वो तुम्हारे परिवार को भी डराएंगे तुम अटल रहना, वो अपने सिर पर फर्जी सहरा सजाएंगे तुम अटल रहना, वो बीजेपी के साथ मिल जाएंगे तुम अटल रहना, वो मोदी के चमचे हैं तुम अटल रहना, वो बीजेपी के एजेंट हैं तुम अटल रहना, वो आरएसएस के एजेंट हैं तुम अटल रहना, इक्कीस अगस्त भारत बंद को रोकने के लिए एक मजबूत रणनीति आरएसएस बीजेपी ने तैयार की है। मैंने आपको पहले ही आगाह किया था। सारी बात शुरू करने से पहले बता देता हूं कि तुम अटल रहना, 21 अगस्त भारत बंद होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, किसी का बाप भी भारत बंद करने से नहीं रोक सकता, किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया जो भारत बंद करने से हमें रोक दे। भारत बंद 21 अगस्त नानी याद दिला देंगे। यह समाज बहकावे में आने वाला नहीं है, यह समाज बिकने वाला नहीं है। मैं कहूंगा वो तुमको खरीदेंगे तुम अटल रहना, वो तुमको खरीदेंगे तुम अटल रहना, वो अपने सिर पर भी सहरा सजाएंगे तुम अटल रहना। 21 अगस्त भारत बंद होगा मतलब होगा, भारत बंद मतलब भारत बंद। मैं धन्यवाद देता हूं बहन कुमारी मायावती जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की डायरेक्ट प्रतिक्रिया नहीं आने और सांसदों के माध्यम से, चमचे सांसदों के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया भेजने और गोदी मीडिया के द्वारा फर्जी खबर फैलाने के खिलाफ बहन कुमारी मायावती जी ने, आदरणीय बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया है कि मोदी जी का वादा, मोदी जी की बात हवा हवाई है। आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर ने आपको पहले ही आगाह किया था कि आरएसएस और बीजेपी ने एक मजबूत रणनीति तैयार कर ली है। उन्होंने अपने एजेंटों को मैदान में उतारा है। वो एजेंट कौन है? वो एजेंट है बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़कर जीत चुके एससी एसटी के दलित सांसद और कुछ निर्दलीय दलित सांसद भी। वो तुमको डरा भी रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर मुकदमे लग जाएंगे, तुम भारत बंद मत करो। वे तुम्हें बहका भी रहे हैं। और जब ये मोदी जी का बयान आया है, मोदी जी डायरेक्ट नहीं बोले, नहीं बोले मतलब नहीं बोले, लेकिन जो चमचे हैं सांसद एससी एसटी के, दलित सांसद बीजेपी आरएसएस के, जो निर्दलीय भी हैं और बीजेपी आरएसएस में मिले जुले हैं, वे लोग ये कह रहे हैं और मीडिया में खबर चलवा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। अरे भाई बात सुनो मोदी जी, और चमचो तुम भी सुन लो, ये आज का बहुजन समाज है, चार पांच साल पहले का नहीं है, जो मूर्ख बन जाएगा, साफ कर देता हूं, मूर्ख नहीं बनेगा ये समाज भारत बंद करेगा। ये आपकी प्रतिक्रिया मोदी जी डायरेक्ट सीधी नहीं आई, आपके चमचों ने बताई है, जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी
सारा हवा हवाई है। और मैंने भी कल बयान दिया था और आज के मीडिया न्यूज प्रिंट मीडिया में अखबारों में भी है कि नरेंद्र मोदी जी जुमला फेंक रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी जुमला